हेलो जी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस टाइम टाइम हो गया, 6 हो चुके हैं इधर ओमान में, और अफ्तारी का टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी के लिए। तो वली भाई और नबील वहाँ से दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ उनके पीछे 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 पीछे। सो चेक करें गाइस, अफ्तारी का टाइम हो गया और अब हम जा रहे हैं सामने वाली, तो भाई और नबील भाई जो है ना जा रहे हैं, वो भी चेक करें। ड्रैगन मार्ट के बाहर का सीन है, वही चेक करें। ये सूरज जो है ग्रुप होने के पास है, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं तो मस्जिद में नमाज़ के लिए, साथ अफ्तारी के लिए। ये सूखते नहीं है, इसे गोल्डन ड्रैगन मार्ट बोलते हैं, और हम जा रहे हैं गाइस अफ्तारी के बाद। अभी जो है ना दोबारा स्टोर पे आना पड़ा, आके आने के बाद अभी इधर नमाज शाह का टाइम है, तो जो है ना मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो कुछ खाएंगे यहाँ से, साथ ही कैफेटेरिया वहाँ से कुछ खाने के लिए लेंगे, और बाद में पहले यहाँ पे आर्डर करेंगे। आर्डर लगाने के बाद एक्चुअली वहाँ पे टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट जो है ना वो लेते हैं तैयार करने में। वहीं तैयार होगा तब तक मैं नमाज पढ़ने के बाद वहाँ से रिसीव कर लूँगा। सो ये चैना मार्केट है यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, जैसे ये चेक करें मेरे बैक साइड में ना कंबल वगैरह है, और साथ ही यहाँ पे जिम का सामान है। ऐसे काफ़ी शॉप हैं यहाँ इस मार्केट में, तकरीबन 500 से प्लस शॉप हैं यहाँ पे। और ये चाइना मार्केट है, और चाइना मार्केट में मोस्टली चाइनीज़ की शॉप है, और कुछ शॉप तो न्यू बन गई है जिसमें बंगाली लोग काम करते हैं, पाकिस्तानी है। सो मिस्री लोग जो है ना काउंटर पे परफ्यूम वगैरह के काउंटर यूज़ करते हैं, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर बैक साइड पर ना यहाँ पे ये चेक करें, बुक का काउंटर है, यहाँ पे मिस्री का काउंटर है। ऐसे काफ़ी शॉप हैं जो है ना, काउंटर है परफ्यूम्स के काउंटर है, फिर बुक स्टोर है, बुक के काउंटर है, ऐसे ना छोटे छोटे काउंटर बने होते हैं। तो साथ कैफेटेरिया आ गया, अभी कैफेटेरिया पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे आर्डर दूँगा जो भी। आई थिंक मैं बर्गर के लिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। वालेकुम दादू भैया, कैसा है? ठीक है। अच्छा यार, वो कल मैंने आपको बर्गर के लिए बोला था ना, वो वाला बर्गर एक रेडी कर दें। किधर है? इधर है एयरपोर्ट हाउस का, हाँ ऐसा वाला, ये वाला बर्गर के लिए बोल दिया। और अभी यहाँ से वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे आते हैं, वहाँ से रिसीव करते हैं। और ये मेरे बैक साइड पर चाइनीज़ का रेस्टोरेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद अब जा रहा हूँ उधर बर्गर के लिए, और वहाँ से बर्गर लेते हैं, फिर चेक करते हैं टेस्ट कैसा उसका, फिर उसके बाद दोबारा स्टोर पे जाएंगे। बर्गर जो है ना मिल गया, वो रेडी हुआ था पहले ही, ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ था, तैयार करके रखा हुआ था। अब इसको चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बर्गर देखने में तो मज़ेदार है, आप ट्राई करेंगे देखते हैं क्या सीन है। और मज़ेदार। दो बर्गर ख़त्म करने के बाद भी खत्म हो गया माशाल्लाह आपका भाई, खाने में तो आपको पता ही है ना। हेलो जी, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अभी उठ के इधर टाइम हो गया तकरीबन 1:40, तो अभी जा रहा हूँ स्टोर पे। तो अब जो है ना तुम्हारी भाई जो है ना वो लोग आएंगे,
अभी जा रहा हूँ, रमज़ान है इसलिए ड्यूटी का जो टाइम है चेंज हो चुका है। इस टाइम रमज़ान में फर्स्ट शिफ्ट जो है ना हजरत मौली साहब जाते हैं अदर रूम में शॉप पे, तो वो 2 बजे जो है ना रूम में आ जाते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है ना मेरी ड्यूटी होती है, इसलिए वो उसके बाद जो है ना 12 बजे रात के 12 बजे जो है ना फ्री होते हैं रूम से शॉप से। सो आज का मौसम भी अच्छा है, जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है ये चौक का बैक साइड पे, तो अच्छा है। अभी नहीं तो गर्मी जून जुलाई अगस्त में तो ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ से स्टोर तक जाने के लिए बुरा हाल हो जाता है। और साथ हमारे इधर बैक साइड पे पेट्रोल पंप है, और यहाँ से स्टोर तक जाने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, वो भी पैदल। ये जो है चाइना मार्केट है, रास्ते में ये पैदल पहुँच जाता रहेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना लगते हैं। बैक साइड पे यहाँ पे वो बिल्डिंग है हमारी, और ये चाइना मार्केट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टफ लगता है ना यहाँ से रोड क्रॉस करना लगता है, ये हाईवे है, ये जो है ना इस साइड को दाएं साइड को जो है ना वो दुबई की तरफ जा रही है, और बाएं तरफ को मस्कत की तरफ, ये वेरी डिफिकल्ट।